Hello students, welcome to Unacademy, India's largest online platform for e-learning. I'm Helen Mendonza, an educator of English grammar and vocabulary. मैं आपको MPPSC एंड व्यापम के नीचे जितना भी एग्जाम्स है उसके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी पढ़ाएंगे. हमारे सब्सक्रिप्शन का नाम है लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स. मेरे स्क्रीन पे आपको टॉप एजुकेटर्स फॉर दिस सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है. इनमें से बहुत सारे लोगों का क्लासेस आप अटेंड करते होंगे और इनको फॉलो भी करते होंगे, राइट? तो मेरे बारे में बात करेगा तो आई एम हेलेन मेंडोन्सा. मैं एक इंट्रोडक्शन दोबारा देना चाहते हैं. ऑलरेडी आपने मेरे क्लासेस देख चुके होंगे यूट्यूब में. अभी क्या है, आज कुछ नया स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. मेरा नाम हेलेन मेंडोन्सा है और मैं दिल्ली बेस्ड एजुकेटर हूँ. दिल्ली के मुखर्जी नगर में मैं कोचिंग चलाती हूँ. 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे. मैं SSC, बैंक POs, टेनो, CSAT, IAS, CAT इन्हीं एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और MPPSC एंड व्यापम की जितना भी एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं आपके सामने हूँ. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रेगुलर पैटर्न में मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करूँगी जिसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश ग्रामर का, वोकैबुलरी का, सब हम कवर करेंगे, राइट? तो MPPSC एंड व्यापम का सब्सक्रिप्शन एक बार मैं आपको समझा देती हूँ. हमारे पास शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक सब्सक्रिप्शन है. जैसे कि मेरे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है 1 मंथ 1260 रुपीज का है, 3 मंथ 3150 रुपीज का है, 6 मंथ जो है 5040 का है और 12 मंथ का बहुत ही नॉमिनल फी है, दैट इज 6300, मात्र 6300. इसका मतलब एक स्टूडेंट को 630 रुपीज से भी कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है पर मंथ के लिए. पर मंथ का कोचिंग है, पर मंथ प्रिपरेशन में इतना ही आपको स्पेंड करना पड़ रहा है. और 24 मंथ्स की बात करेगा तो दैट्स उससे भी कम है, इट इज 10,080. ये 10,080 अमाउंट आपको जो मिल रहा है वो 10% डिस्काउंट के बाद है. ये 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेंगे, आप जब सब्सक्रिप्शन लेगा आप मेरा जो रेफरल कोड है ये अप्लाई कर सकते हैं. इट इज HELEN, ये मेरा फर्स्ट नेम है तो बहुत ही सिंपल अल्फाबेट से HELEN, इन्हें यूज किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट है दैट इज 10,080. तो आप एक सब्सक्रिप्शन को वाइसली कैसे चुनेंगे, देखो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, बट क्या आपका कोर्स कंप्लीट होगा? आपके पास एक इनकम्प्लीट कोर्स रहेगा, इनकम्प्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा, इनकम्प्लीट टेस्ट सीरीज रहेगा. तो हमारे प्रिपरेशन में कम से कम हमें 12 महीना स्पेंड करना पड़ेगा जिसमें हमारे कोर्स भी कम्प्लीट हो गया, रिविजन भी हो गया, प्रॉपरली टेस्ट भी, असेसमेंट भी हो गया, है ना? क्योंकि MPPSC व्यापम के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या है कि लाइव क्लासेस मिल रहा है, रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी मिल रहा है, राइट? तो हम ऑनलाइन बहुत सारे पॉल्स भी कर रहे हैं आपके साथ. तो ओके, तो अभी सब्सक्रिप्शन की बात हो गया, मूविंग ऑन टू मैं आपको आज क्या पढ़ाना चाहती हूँ. मेरा आज का टॉपिक रहेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2. ये सेकेंड पार्ट है इसका. पार्ट 1 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, यूट्यूब में रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है. जो भी नया स्टूडेंट्स आज मेरे क्लास देख रहे हैं वो पहला सेशन इस सेशन के बाद देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2. तो मैंने पहले भी बताया एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, क्या है सब्जेक्ट, सेंटेंस किसके बारे में और सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है वो है सब्जेक्ट. जैसे ही इज सिंगिंग, तो कौन सिंगिंग कर रहा है, ही सिंगिंग कर रहा है. तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ही क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना? तो इज सिंगिंग, जिसमें जो ये इसको हम प्रेडिकेट पार्ट भी कहते हैं, ये आपका वर्ब. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गोल्डन कंसेप्ट क्या है, जो मेन फाउंडेशन कंसेप्ट क्या है, यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब्स. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब्स का. इस रूल को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने लास्ट सेशन में किया था और आप सबको ठीक भी लगा था, आपने मुझे कमेंट्स में बताया था, राइट? तो इस सेशन भी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम करेंगे और उससे भी ज़्यादा यूजफुल, इंटरेस्टिंग प्लस यूजफुल आपका एग्जाम में. ये जो सेशन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा. ऑलराइट, तो देखते हैं.
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चैप्टर में बहुत सारे रूल्स हैं, तो एक एक करके हम कुछ स्पेशल रूल्स आज याद रखते हैं, ठीक है। तो आज मैं जो रूल पढ़ाने जा रही हूँ उसमें जो पहला रूल ये है, टाइटल्स ऑफ सिंगल एंटिटीज बुक्स ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीज आर ऑलवेज सिंगुलर। देखो, जब एक मूवी का टाइटल, नहीं तो बुक का टाइटल, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल, कोई भी रेस्टोरेंट का नाम तो और कंट्री का नाम, ये सब सिंगुलर ही रहेगा, शायद वो दिखने में आपको प्लूरल लगेगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप सबको एक, आप सब मूवी देखते हो ना, मैं तो काफ़ी सारे मूवीज देखती हूँ, और हिंदी सिनेमा में खासकर बहुत ही अच्छा एक मूवी था, सबको पसंद आ गया था, वो मूवी का नाम था 3 Idiots। तो 3 Idiots मूवी का नाम था, तो ये देखने में तो है प्लूरल है, बट है तो क्या है, एक मूवी का टाइटल है। तो इस मूवी के साथ आप इस लगा देगा, इस और इंटरेस्टिंग आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 3 Idiots आर इंटरेस्टिंग लिखेंगे या इस इंटरेस्टिंग लिखेंगे? ऑफ कोर्स इस लिखेंगे, बिकॉज जो प्लूरल वाले यूज किया है, ये क्या है, टाइटल ऑफ द मूवी है। तो किसी चीज के टाइटल में, इसे टाइटल ऑफ अ बुक, टाइटल ऑफ अ मूवी, टाइटल ऑफ अ रेस्टोरेंट, टाइटल ऑफ अ पोयम, किसी का भी टाइटल में प्लूरल वर्ड आने से वो प्लूरल नहीं होता, बल्कि वो रहेगा सिंगुलर। जैसे कि कंट्री का नाम भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री है अमेरिका, अमेरिका का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ना मैं इधर लिखती हूँ, United States of America, the United States of America, ठीक है। इसके साथ इस आएगा, आर आएगा, इस अ डेवलप्ड कंट्री, ये आपको यूज करना है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि प्लूरल दिख रहा है आपको, बट प्लूरल जो है नंबर में नहीं, टाइटल में है। जब टाइटल में प्लूरल आता है, इट इज कंसिडर सिंगुलर। ऑलराइट, तो नेम ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है नेम ऑफ द कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, सबके एंड में एस है, बट नंबर में सिंगुलर। सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बुक्स, बुक्स का नाम है, डिसीजेस, ऐसा कुछ बीमारियां हैं जिनको देखने में आपको लगेगा प्लूरल है, जिनके नाम के एंड में एस लगा हुआ है, बट वो सिंगुलर रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशंस ये भी सिंगुलर रहेगा, और कुछ गेम्स भी हैं वो भी दिखने में प्लूरल लगेगा, तो इनका नाम में प्लूरल भले दिखेगा बट ये नंबर में सिंगुलर है, एंड इनके साथ आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। तो कौन कौन से हैं, टाइटल ऑफ द कंट्रीज, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट्स, टाइटल ऑफ द बुक्स, टाइटल ऑफ द डिसीजेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गेम्स। इनके टाइटल में प्लूरल आने से प्लूरल वर्ब नहीं लेना है, टाइटल में प्लूरल आएगा बट नंबर में रहेगा सिंगुलर। चलो एग्जाम्पल देख के, टाइटल ऑफ द सिंगल एंटिटीज बुक्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज आर ऑलवेज सिंगुलर। एग्जाम्पल बुक्स का एग्जाम्पल, एक बुक है 3 Musketeers, वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, 3 Musketeers, एस लग रहा है बट ये सिंगुलर है। गलिबर्स ट्रेवल्स, ये भी सिंगुलर है, ये तो सबने सुना होगा, द अरेबियन नाइट्स, तो ये बुक का टाइटल है बट बुक तो एक ही है, तो बुक सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। वॉर एंड पीस एंड टेल्स ऑफ शेक्सपियर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टाइटल्स ऑफ द बुक जो दिख रहा है आपको प्लूरल, बट इनके साथ आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल कौन कौन सी लिखा है, मैंने कुछ खास एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम में आते हैं बार बार, 3 Musketeers, गलिबर्स ट्रेवल्स, द अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, टेल्स ऑफ शेक्सपियर। नाउ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के टाइटल पे, नाम पे प्लूरल वर्ड आ सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेस्ट इंडीज, द नेदरलैंड्स, ठीक है ना। तो इन कंट्रीज के नाम में एस लगा हुआ है बट इन सब के साथ आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहे हैं, इफ आपको समझ में आ रहे हैं आप मुझे थम्स अप भेज सकते हैं, राइट।
एंड वन और क्या है, सब्जेक्ट्स भी दिखेंगे प्लूरल बट सिंगुलर लगता है वर्ब में. मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज अ हॉट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, है ना. तो सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ भी आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है. और डिसीजेस, क्या है डिसीजेस, बीमारियां. कुछ बीमारियों का ऐसा नाम है जो दिखने में प्लूरल है बट वर्ब इनके साथ सिंगुलर रहेगा. तो कौन कौन सी है, मीजल्स, मम्स एंड रिकेट्स. कौन कौन सी है, मीजल्स, मम्स एंड रिकेट्स, ये तीनों बीमारियों का नाम है. खास याद रखना है ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा. तो ये बीमारियां मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ, कंटेजियस है, फैलने वाले, जैसे कोविड की तरह, कोविड-19 की तरह, कोरोना की तरह फैलने वाले बीमारियां हैं ये भी, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स. तो ये कंटेजियस बीमारियां हैं और इनके साथ आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब. ऑलराइट, सिंगुलर वर्ब. एंड ऑर्गेनाइजेशन का मैंने ये भी आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम के साथ भी आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है. तो रूल क्या है, कंट्री का नाम और सब्जेक्ट हो गया, डिसीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बुक का टाइटल हो गया, मूवी का टाइटल हो गया, इन सब के साथ आप लगाओगे सिंगुलर वर्ब. इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब. आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया रूल. चलो अब समझ में आ गया तो अगला स्टेप क्या है, जब भी मैं आपको एक रूल समझाती हूँ मैं फिर आपको क्या करती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, है ना. तो चलो ये हो गया टाइम प्रैक्टिस के लिए. द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. बड़ा छोटा सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सेंटेंस है, ठीक है ना. द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है? तो जिस बच्चे को ये रूल नहीं पता उसको लगता है हाँ नाइट्स लिखा है, प्लूरल होना चाहिए, आर बिल्कुल सही है. बट हमने क्या कहा था, द अरेबियन नाइट्स जो है टाइटल ऑफ अ बुक है. ये क्या है, इट इज द टाइटल ऑफ अ बुक. तो टाइटल ऑफ द बुक के साथ आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब. टाइटल ऑफ द बुक के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. जैसे द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. अंडरस्टूड. तो एट द अरेबियन नाइट्स की तरह कोई भी बुक का टाइटल आ सकता है. इधर पैटर्न है, इस पैटर्न को आप याद रखना है. मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करते हो आपके पास क्या होना चाहिए, नीड टू हैव अ कॉपी एंड अ पेन. तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे रूल्स आते हैं तो फटाफट अपने नोट्स बना लिया ताकि बाद में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं. ओके, द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. War and Peace takes या take a long time to read. War and Peace take and or takes a long time to read. तो आपके सब्जेक्ट क्या है, War and Peace. War and Peace भी क्या है, It is a title of a book. एक बुक का टाइटल है. अब आप कहेंगे हाँ मैं तो मैम इतनी बुक्स के नाम तो नहीं पता चल रहा. देखो इधर अ लॉन्ग टाइम टू रीड है तो इससे पता ही चल रहा है कि बात हम किसका कर रहा है, बुक का कर रहा है ना. तो वॉर एंड पीस टाइटल ऑफ द बुक है. तो इट एक सिंगुलर वर्ब एंड आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ के रखा है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है. एसोरियस आ गया, टेक्स जो है सिंगुलर है और टेक जो है प्लूरल है. टेक सिंगुलर है एंड टेक जो है आपका प्लूरल. ऑलराइट, तो चलो तो इस सेंटेंस में वॉर एंड पीस टेक्स आना चाहिए, टेक आना चाहिए. ऑब्वियसली आपका आंसर क्या है, वॉर एंड पीस टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीड. War and Peace take a long time to read. Okay? Okay students, आपको समझ में आ रहा है? Everything clear to you? आप मुझे एक thumbs up sign भेज सकते हैं. इसका मतलब है आप सबको clearly समझ में आ रहा है जो rule मैं आपको भी बता रही हूँ. War and Peace takes a long time to read. War and Peace takes a long time to read. देखो, the United Nations is or are in New York. The United Nations is or are in New York. अभी the United Nations क्या है, already बता चुकी हूँ आपको, title of an organization. ये एक organization का title है ना, it is the title of an organization and the title of an organization is always singular. It takes singular verb.
तो द यूनाइटेड नेशंस इज इन न्यूयॉर्क. क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन इज इन न्यूयॉर्क. अगेन सिंगुलर आया ना, द यूनाइटेड नेशंस इज इन न्यूयॉर्क. आई थॉट थ्री इडियट्स वॉज और वेर एंटरटेनिंग. ये तो ऑलरेडी एग्जाम्पल में आपको बता चुकी हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्री इडियट्स क्या है? फिल्म का मूवी टाइटल है. ये मूवी टाइटल है ना, तो मूवी टाइटल है. थ्री इडियट्स प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, क्योंकि ये मूवी टाइटल है. तो आपके आंसर क्या होना चाहिए? वॉज एंटरटेनिंग. तो मैं आपको आंसर एक और बार रिपीट करती हूँ, जो बच्चा थोड़ा भी छूट गया दोबारा सुन लेगा. द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. वॉर एंड पीस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीड. वॉर एंड पीस टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीड. The United Nations is in New York. The United Nations is in New York. And I thought Three Idiots was entertaining. I thought Three Idiots was entertaining. The rule kya hai? Jab bhi movie ka title, book ka title, organization ka title, country ka title aapko plural dikhe, wo plural nahi hai balki singular hai, aur unke saath kya lagana chahiye? Singular verb. ठीक है, तो रूल नंबर नंबर वन जो है आज का सेशन का फर्स्ट रूल जो है, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू. ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया तो आई कैन मूव ऑन टू माय नेक्स्ट रूल. सो दैट कि मैं नेक्स्ट रूल शुरू करती हूँ. नेक्स्ट रूल भी एक खास इम्पॉर्टेंट बात पे है. देखो ये जो है बार बार एग्जाम है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को बहुत परेशान करने वाली दो बात है, मेनी एंड मेनी अ. इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको कहूंगी मेनी और मेनी का मीनिंग जो है सेम है. इनका सेम मीनिंग है. मेनी कहेगा या मेनी अ कहेगा, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, खास कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब मीनिंग में दोनों प्लूरल है. इट इज प्लूरल इन मीनिंग. मेनी भी प्लूरल इन मीनिंग है, मेनी अ भी प्लूरल इन मीनिंग है. बट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते वक्त इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है. तो देखते हैं क्या फर्क है. तो मेनी का मीनिंग लिखा है बहुत सारा, मेनी अ का भी मीनिंग वही है, कई बहुत सारा मतलब वही कई बहुत सारा, ठीक है ना. एंड मेनी टेक्स, मेनी के साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब. तो इसका मतलब मैं इधर लिखती हूँ, मेनी के साथ आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. मेनी के साथ क्या लगाओगे? प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब. एंड मेनी जो है मीनिंग में क्या है? मीनिंग में प्लूरल है, तो प्लूरल इन मीनिंग. एंड स्ट्रक्चर भी प्लूरल है. तो जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, मिनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट एंड मिनी के बाद प्लूरल वर्ब आता है, तो स्ट्रक्चर भी प्लूरल है, मीनिंग भी प्लूरल है. तो दिखता भी प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल. तो मिनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है एंड प्लूरल वर्ब. आई होप इट इज क्लियर. मिनी का मतलब क्या है? बहुत सारे. एंड मिनी के साथ यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. ठीक है ना, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या है? इसका एक क्लास मैंने ऐप में लिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ऐप में भी आप मेरा क्लासेस अवेलेबल है, तो आप उस सेशन को देख सकते हैं. जिनको भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डाउट है तो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उस सेशन को आप फॉलो कर सकते हैं. ऑलराइट, फाइन. तो मेनी टेक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब्स. तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेनी स्टूडेंट्स, मेनी फ्रेंड्स, राइट, और मेनी स्टूडेंट्स और मेनी फ्रेंड्स. फाइन, मेनी स्टूडेंट्स हो गया, मेनी फ्रेंड्स हो गया. और क्या लिख सकती हूँ? मेनी पीपल लिख सकती हूँ ना, पीपल प्लूरल है लोग. मेनी पीपल और मेनी कार्स, मेनी बुक्स, कुछ भी लिख सकती हूँ. मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज करते हैं एंड प्लूरल वर्ब. तो एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी पीपल वर किल्ड इन द रेड. मेनी स्टूडेंट्स, मेनी फ्रेंड, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी फ्रेंड्स, मेनी पीपल वर किल्ड इन द रेड. मेनी पीपल वेर किल्ड इन द रेड. तो मेनी पीपल है, पीपल प्लूरल है, और वेर भी प्लूरल है. तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. और मेनी अ जो है, मेनी अ का थोड़ा सा धोखा होता है मेनी अ के साथ. मेनी अ लेता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. बट मेनी अ जो है मीनिंग में प्लूरल है, प्लूरल इन मीनिंग बट सिंगुलर इन स्ट्रक्चर. दिखते वक्त
सिंगुलर ही दिखेगा आपको मिनी अ के बाद, खासकर इधर एक अ लगाओ, आर्टिकल अ लगाओ, आर्टिकल अ के बाद सिंगुलर नाउन आता है ना, तो मिनी अ के बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा प्लस सिंगुलर वर्ब लगेगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। बट मिनी अ का भी मतलब प्लूरल है, इसका मीनिंग प्लूरल है, इसलिए तो मैंने लिखा है मिनी अ का मतलब क्या है, कई। मिनी अ का भी मतलब कई है, तो मिनी और मिनी अ का मतलब प्लूरल है, दोनों का मीनिंग प्लूरल है। बट लिखते वक्त मिनी अ को हम सिंगुलर में लिखते हैं, फाइन। तो देखो अब ये मैं कह रही हूं मिनी मैन किंग, इसका मतलब बहुत सारे आदमी आ गया। अब मैं लिखती हूं मिनी अ मैन किंग, तो अब ये दिखेगा सिंगुलर आपको मिनी अ मैन किंग, इसका मतलब एक आदमी नहीं है, इसका मतलब अगेन वही हो गया कई आदमी आ चुके हैं, कई आदमी आ चुके हैं। तो मिनी मैन किंग और मिनी मिनी अ मैन किंग, इन दोनों का मीनिंग जो है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर में खासकर बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मेनी जिसका मतलब हो गया काई, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन, मेनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा एंड सिंगुलर नाउन, जैसे मेनी अ बॉय, मेनी अ गर्ल, मेनी अ मैन, जो भी आप मोर एग्जाम्पल आपको चाहे तो। एंड देखो इन सब के साथ आपको याद रखना है, आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब, आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब। तो एक छोटा सा रूल मैं इधर लिखती हूँ, फटाफट अपनी बुक में कॉपी में इसको नोट करना है। तो क्या लिखा है, मिनी के बाद प्लूरल नाउन, पी एन क्या है, प्लूरल नाउन, और पी वी प्लूरल वर्ब, और मिनी अ के बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट बच्चे, तो मिनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मिनी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। जो स्टूडेंट सीरियसली क्लास को परस्यू कर रहा है वो अब तक अपनी बुक में ये लिख चुके होंगे, ऑलरेडी अपनी बुक में नोट कर चुके होंगे, काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रूल है, मिनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगता है और मिनी अ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन। अब मैं आपके लिए खूब क्वेश्चंस लेके आए इस रोल पे, मिनी और मिनी का जो क्वेश्चंस है काफ़ी सारे हैं, तो वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चे को इस क्लास के बाद मिनी और मिनी ए के बीच में डिफरेंस में कंफ्यूशन नहीं होना चाहिए, सारी कंफ्यूशन है अभी का अभी खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनी मैन, तो मैं बेसिक रूल इधर लिखती हूँ आपको याद करने के लिए, मिनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल यानी प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, और मिनी अ के साथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, चलो तो मिनी मेन क्या ये सही है, यस, मैन का प्लूरल है मेन, तो मिनी मेन वॉज किल्ड आना चाहिए, वेयर किल्ड आना चाहिए, देखो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है तो क्या लिखेंगे बच्चे आप, मिनी मेन वेयर किल्ड, मिनी मेन वेयर किल्ड। अगला सेंटेंस है, तो फर्स्ट वन क्लियर हो गया, मैन सिंगुलर है मेन प्लूरल है ना, मैन सिंगुलर है और मेन प्लूरल है, तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन लिखता है, तो मेनी मेन वेयर किल्ड। जो बच्चे को ये नहीं पता वो साइड पे क्या नोट करेंगे, वन मैन एंड टू मेन, तो मैन का प्लूरल क्या है, मेन है, तो मेनी मेन वेयर किल्ड, मेनी मेन वेयर किल्ड। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है मेनी बॉय या मेनी बॉयज is or are absent today, इस क्वेश्चन में आप पहले नाउन को भी सेट करेंगे फिर आप वर्ब को भी सेट करेंगे। आपको क्या याद है, मिनी के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, तो मिनी बॉयज है ना, मिनी बॉयज बिल्कुल सही, मिनी के साथ प्लूरल है तो मिनी बॉयज आएगा, तो इसको मैं काट देती हूँ, ये गलत है, मिनी बॉयज, तो मिनी बॉयज के साथ फिर आएगा प्लूरल वर्ब, कई सारे बच्चे एब्सेंट है ना, तो मिनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मिनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ऑलराइट, मिनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। आप में बहुत सारे लोग मुझे चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर दे रहा है, वेल डन। नाउ नेक्स्ट वन इज मिनी अ बॉय और मिनी अ बॉयज इज और एब्सेंट टुडे,
अभी आपको बताना है मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आता है ना, तो मेनी अ बॉय आएगा, मेनी अ बॉय, और वर्ब में क्या आना चाहिए, सिंगुलर। अभी इन दोनों का सेम मीनिंग है, इन दोनों के अनुसार बहुत सारे लड़के आज एब्सेंट है और कई सारे लड़के आज आए नहीं है, मीनिंग तो सेम ही है, बट क्या प्रॉब्लम आ गया, स्ट्रक्चर अलग है। तो स्ट्रक्चर अलग है बट मीनिंग सेम है। तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे एंड मेनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे, मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे एंड मेनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नाउन ऑलरेडी सेट, मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल नाउन है ना, सही आ गया। तो मेनी स्टूडेंट्स के बाद हैज आएगा, हैव आएगा। बच्चे आपको पता है ना, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, हैज हमारी सिंगुलर है और हैव हमारी क्या है, प्लूरल है ना, हैज सिंगुलर है, हैव हमारी प्लूरल है, तो ये हमको ऑलरेडी पता है इस बात, है ना। तो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, ऑलराइट, क्लियर। चलो अभी अगला सेंटेंस देखते हैं, मेनी अ चाइल्ड या मेनी अ चिल्ड्रन इज और एब्सेंट, तो क्या आना चाहिए देखते हैं। तो आंसर एक और बार देती, मेनी मैन वर्कर, मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, मेनी अ बॉय इज एब्सेंट टुडे एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी अ चाइल्ड और चिल्ड्रन आर स्मार्ट, तो देखो चाइल्ड जो है हमारे क्या है, सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है एंड हमारे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो मेनी अ के बाद आप बता दो क्या आना चाहिए, मेनी अ के बाद आप मुझे चैट मैसेज करके बता सकते हैं। तो मेनी अ के बाद क्या आ सकते हैं, इट इज सिंगुलर नाउन। अच्छा, जिनका भी करेक्ट आंसर है, वेल डन, मेनी अ चाइल्ड है ना, मेनी अ चाइल्ड, मेनी अ चाइल्ड तो सिंगुलर है, तो स्मार्ट, इसका मतलब एक ही चाइल्ड स्मार्ट है, नहीं, कई सारी चाइल्ड चिल्ड्रन जो है स्मार्ट है, बट वो इंग्लिश के एक धोखे वाला स्ट्रक्चर है, जो दिखता है सिंगुलर बट मीनिंग में प्लूरल है। ये अंग्रेज लोग ना बड़ा गड़बड़ कर देते, कई बार इतना कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बना लेते, हमें तो पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए ना। तो मेनी अ चाइल्ड इज और आर स्मार्ट। अगला सेंटेंस जो है, मेनी बुक्स has या have been sold, बता दो many books के साथ has आना चाहिए, have आना चाहिए। तो many books plural है ना, तो many books have been sold, many books have been sold, और many a pen is needed, isn't it, many a pen is needed, many a के बाद singular noun। तो many men were killed, many boys are absent today, many a boy is absent today, many students have come, many a child is smart and many books have been sold and many a pen is needed. I hope it is clear. अब जिंदगी में many और many a का difference नहीं भूलना चाहिए आपको। मैंने आपसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाया, इसको मतलब थरो हो गया, पक्का हो गया है ना। तो ये सोचते हुए आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये बात आपको बिल्कुल पक्का हो गया। अभी हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, अ ग्रेट मेनी, फाइन, तो अ ग्रेट मेनी इसका क्या मतलब है, अ ग्रेट मेनी भी एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है बहुत सारे, बहुत, जैसे लिखा है बहुत सारे, एंड अ ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, जैसे अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स, एंड वर्ब में यूज करना इस और आर में आप चॉइस करेगा तो इट इज ऑलवेज आर, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो क्या कहते हैं, अ ग्रेट मेनी इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन। अ ग्रेट मेनी के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है एंड प्लूरल नाउन। देखो एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात क्यों करें, अभी पैंडमिक हो रहा है, कोरोना में कितने सारे लोग वर्ल्ड वाइड मारे गए, तो क्या कहेंगे, अ ग्रेट मेनी पीपल वेयर किल्ड। देखो ये पीपल जो है लिखा है ये भी प्लूरल है और वर्ब भी लिखा है ये भी
प्लूरल है. तो अ ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. अभी आप कहेंगे मेनी लिखने से काफी नहीं होता, मेनी तो है. अभी हजार लोगों को आप मेनी कहेगा, 10,000 लोगों को आप क्या कह सकते हैं, अ ग्रेट मेनी कह सकते हैं. तो हजार लोगों के लिए मेनी है, तो 10,000 लोगों के लिए अ ग्रेट मेनी है. बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे अ ग्रेट मेनी. अभी अगला है अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड. जैसे हमारे देखो कुछ भी एग्जाम होते हैं, बीपीएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है तो लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, मेनी से ज्यादा बच्चे हो गया ना, तो क्या कहेंगे अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड. और मेरा एक विश है कि मेरा क्लास को अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स फॉलो करे, आई विल बी वेरी हैप्पी, राइट. एंड अगला है अ ग्रेट मेनी बुक्स आर पब्लिश्ड, है ना, बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो गया. तो रूल क्या है, अ ग्रेट मेनी के बाद हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. तो याद हो गया मिनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मिनी अ के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, एंड अ ग्रेट मिनी के साथ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. चलो तो बात क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं. तो अ ग्रेट मिनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, इसमें क्या होगा, अ ग्रेट मिनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. देखो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट कैसे हो सकता है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले सिखाया था आपको अ ग्रेट मेनी के साथ आप यूज करोगे प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. तो स्टूडेंट बिल्कुल गलत है, और स्टूडेंट की जगह आप क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट्स. अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. आप लोगों में अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो जाए, ये मेरा विश है. अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल. ऑलराइट, ठीक. तो आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, तो आपको सब समझ में आ रहा था, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेनी अ मैन हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन, मेनी अ मैन हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन. आप मुझे बता दो इसमें कौन सी सेंटेंस करेक्ट है. यू हैव टू पिक, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सेंटेंस. 2 सेंटेंस है तो आप इनमें से करेक्ट सेंटेंस पिक करेंगे. चलो इट्स टाइम टू पिक द करेक्ट सेंटेंस. तो रूल क्या है जल्दी जल्दी बता दो, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. तो मेनी अ मैन हैव तो नहीं आ सकता है ना, तो ये सेंटेंस हमारी रॉन्ग है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, है ना, आई एम स्ट्राइकिंग इट आउट. तो सेकेंड सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, मेनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन. तो टेम्पटेशन आपको पता है, कोई आपको टेम्प्ट करते हैं तो लोग देते हैं वो टेम्पटेशन है. सकम वर्ड, मेरा जो सेकेंड सेशन है वो वोकैबुलरी का, उसमें मैंने अच्छी से एक्सप्लेन किया बहुत सारे वर्ड, उनमें से एक वर्ड है सकम. सकम का मतलब हो गया किसी चीज के सामने सरेंडर, राइट, घुटने झुकाना या दम तोड़ना, सरेंडर करना है. तो मेनी अ मैन हैज सकम टू द टेम्पटेशन. तो बहुत सारे लोगों ने, तो मीनिंग तो प्लूरल ही हो गया ना, मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, दिखने में सिंगुलर है बट मीनिंग वाज प्लूरल है. तो मेनी अ मैन का मतलब ये हो गया बहुत सारे लोग. तो बहुत सारे लोगों ने टेम्पटेशन के सामने अपने घुटने चुका दिया है और दम तोड़ दिया है. तो मेनी अ मैन, तो फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट, सेकेंड सेंटेंस करेक्ट. ऑलराइट, तो मेनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन. तो सेकेंड रूल, हाँ, इसका क्वेश्चन और आ गया. मेनी अ सेलर वेयर ड्राउंड इन द एक्सीडेंट. सेलर कौन है, जो सेल करता है, जो शिप में जाता है ना, उसको सेलर कह सकते हैं. मेनी अ सेलर वेयर ड्राउंड इन द एक्सीडेंट. भले मीनिंग में प्लूरल है, स्ट्रक्चर में सिंगुलर होना चाहिए. तो आपको अभी तक समझ में आया होगा, आप सबको करेक्ट आंसर मिले होंगे. मेनी अ सेलर वॉज ड्राउंड इन द एक्सीडेंट. व्हाट यू मीन बाय ड्राउंड, डूब के मरना. तो ड्राउंड का मतलब हो गया डूब के, पानी में डूब के मरना, इज कॉल्ड ड्राउंड. तो मेनी अ सेलर वॉज ड्राउंड इन द एक्सीडेंट. अभी आप में कुछ लोगों को लगेगा मैम वेयर ड्राउंड को रहने दे, हम मेनी अ सेलर को मेनी सेलर्स क्यों नहीं बना सकते. हाँ, ये याद रखना, एग्जामिनेशन में आप ऑलवेज सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना. सब्जेक्ट जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वो सिंगुलर ही रख के अब वर्ब को चेंज करेंगे. और प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी वर्ब को
चेंज करेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना है, जो भी चेंजेस आपको करना है आप वर्ब के साथ कर लीजिए. तो मिनी अ सेलर वॉज ड्राउंड इन द एक्सीडेंट. वन मोर. अब देखो बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन चल रहा है, नौकरी नहीं लगा, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है. सब्र रख लीजिए, सबका सब कामयाब हो जाएगा. बी पॉजिटिव, ठीक है? तो उसी बात पे क्वेश्चन है. मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड, पता आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा है. मेनी स्टूडेंट आर तो नहीं हो सकता, मेनी स्टूडेंट आर की जगह आप क्या लिखोगे? मेनी स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मेनी स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? मेनी स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड. फाइन. तो सेकेंड रूल इधर समाप्त हो रहा है. मेनी मेनी या अ ग्रेट मेनी, इनमें क्या वर्ब लगता है, इनके साथ क्या नाउन यूज करता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया. तो जिनको भी थोड़ा भी डाउट है, बाद में रिमाइंड करके इस रिकॉर्डेड सेशन को एक और बार सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा. और अपना शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए अपने कॉपी में. ऑलराइट, चलो अब मैं रूल थ्री, आज पार्ट टू जो सेशन का रूल थ्री डिस्कस कर रही हूँ. ये रूल क्या है, वन ऑफ द के साथ क्या यूज होता है, वन ऑफ या वन ऑफ द के साथ क्या यूज करते हैं, ये रूल है बेसिकली. तो वन ऑफ द का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले वन ऑफ द का ये मतलब हो गया बहुत सारे में से एक. देखो जब मैं ये लिखूंगी वन ऑफ द बॉल्स, तो मेरा सब्जेक्ट जो है बॉल्स नहीं है, बल्कि ये मेरा सब्जेक्ट है. वन, मैं एक की बात कर रही हूँ, तो ये वन सब्जेक्ट है. और कैसे सब्जेक्ट है? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ मुझे लगाना है सिंगुलर वर्ब. तो वन ऑफ द के साथ ऑलवेज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इन सिंपल केस में हम लगाते हैं, जिससे कि एक पिक्चराइजेशन, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है. देखो बहुत सारे बॉल्स हैं, ठीक है? तो सारे ब्लू बॉल से एक बॉल आपको येलो दिख रहा है, इसका मतलब वन बॉल येलो है. वन बॉल इज येलो, तो सब्जेक्ट क्या है? वन, है ना? तो इन सारे बॉल्स में से एक, वन का मतलब एक है, तो एक का मतलब तो ऑब्वियसली सिंगुलर हो गया ना, इसलिए आप यूज करेंगे इस येलो. तो मैं एक रूल इधर बना रही हूँ, जब हम वन ऑफ यूज करते हैं इसके बाद प्लूरल नाउन देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे में से एक, तो बहुत सारे का मतलब हो गया प्लूरल नाउन. बट एक येलो है ना, सिर्फ एक येलो है, तो वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब. तो वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, बट वर्ब रहेगा सिंगुलर. तो वन ऑफ और वन ऑफ द के जो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इसके कुछ एडवांस्ड वर्शंस भी है, वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी. आज बिल्कुल एक सिंपल रूल लेके हम चल रहा है, जब वन ऑफ या वन ऑफ द के साथ आप प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. देखो अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब आपके पास एप्पल्स हैं, है ना? आपके पास है एप्पल्स. एप्पल्स प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे दिखा रहे हैं, बट एक एप्पल्स, है ना? वन ऑफ द एप्पल्स. एक एप्पल जो है आपका रेड है, तो वन ऑफ द एप्पल्स इज रेड. तो एक ही रेड है, बाकी सारे ग्रीन है आपको दिखाई दे रहा है ना. तो एक, वन की बात हम कर रहा है, तो मेरा सब्जेक्ट जो है वन है. एंड वन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसके साथ यूज करूंगी सिंगुलर वर्ब. वन ऑफ द एप्पल्स इज रेड. वन ऑफ द एप्पल्स इज रेड. ऑलराइट बच्चे, क्लियर हो गया? तो वन ऑफ द, मैंने आपको पिक्चराइजेशन में भी दिखा दिया है, वन ऑफ द बॉल्स इज येलो एंड वन ऑफ द एप्पल्स इज रेड, क्योंकि हम बात वन का करते, एक का करता है, और वन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है? देखो वन और वन ऑफ द इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. वन ऑफ नहीं तो वन ऑफ द, दो स्ट्रक्चर्स है, वन ऑफ भी आ सकता है, वन ऑफ द भी आ सकता है. इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, जैसे पिक्चर में देखा बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं, तो आगे आ रहा है बहुत सारे, इसलिए प्लूरल नाउन आएगा. बट एक्शन वन के साथ हो रहा है तो वर्ब आएगा सिंगुलर. देखो वन ऑफ द बुक्स इज ओल्ड, यानी आपके पास बहुत सारी बुक्स है, उनमें से वन बुक ओल्ड है, वन बुक इज ओल्ड, तो सब्जेक्ट क्या है? वन है, तो वन ऑफ द बुक्स इज ओल्ड.
वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबसेंट. इमेजिन करो मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, उनमें से 8 स्टूडेंट आज आए नहीं. तो मैं कहूँगी वन स्टूडेंट एबसेंट है ना, तो ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो आगे जो लिखा है ये प्लूरल है, बट स्टूडेंट्स नहीं एबसेंट है. कौन एबसेंट है? वन एबसेंट है. तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबसेंट. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबसेंट. वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी. बहुत सारी गर्ल्स है, उसमें से एक गर्ल प्रिटी है, ब्यूटिफुल है. ठीक है, तो गर्ल्स है तो हम कहेंगे देखो द गर्ल्स आर प्रिटी. बट आपको लगता है वन गर्ल इज प्रिटी, एक गर्ल प्रिटी है, वो कौन सी गर्ल है इन गर्ल्स में से? तो आप कहेंगे वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी. तो ये दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. एक लड़की प्रिटी है, वो इन लड़कियों में से एक लड़की प्रिटी है. तो वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी. द गर्ल्स आर प्रिटी में सारे गर्ल्स प्रिटी हैं, बट वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी में सिर्फ एक लड़की जो है, बस एक लड़की जो है प्रिटी है. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिटी? प्रिटी का क्या मतलब है? प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल ना. तो लड़कियों के लिए प्रिटी यूज करते हैं, लड़के हैं तो हम यूज करेंगे हैंडसम. बॉयज आर हैंडसम एंड गर्ल्स आर प्रिटी. ऑलराइट, चलो अभी आगे से आपके क्लास में मैं सोच रही हूँ आपके लिए मैं कुछ स्पोकन इंग्लिश का टिप्स भी लेके आ जाएंगे, साथ साथ उसका भी आप फायदा ले सकते हैं. ऑलराइट, देखो आपके पास कितनी शर्ट्स है? कई सारे शर्ट्स होंगे ना, बॉयज के पास शर्ट्स हैं तो कई सारे शर्ट्स होंगे. उनमें से एक शर्ट जो है ब्लू है, जस्ट वन शर्ट इज ब्लू. तो आप क्या लिखेंगे? वन ऑफ द शर्ट्स इज ब्लू. तो ये इस शर्ट्स के लिए नहीं यूज किया है, क्योंकि वन शर्ट जो है आपका ब्लू है. तो वन ऑफ द शर्ट्स इज ब्लू. वन ऑफ द शर्ट्स इज ब्लू. तो वन ऑफ द बुक्स इज ओल्ड. वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट. वन ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी एंड वन ऑफ द शर्ट्स इज ब्लू. ऑलराइट, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं. देखते हैं, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव और हैज चीटेड ऑन द एग्जाम. सो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स ने चीट किया, बल्कि एक स्टूडेंट ने चीट किया, वन ने चीट किया. तो वन सिंगुलर है ना, तो मुझे क्या लिखना है? हैज, है ना. तो मेरा आंसर क्या है? वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज चीटेड ऑन द एग्जाम. तो इमेजिन करो कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, 10 होगा, 12 होगा, 20 होगा, प्लूरल है. उनमें से एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने चीटिंग किया है. तो मैं बात कर रही हूँ एक का, है ना. तो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज चीटेड ऑन द एग्जाम. वन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैज चीटेड ऑन द एग्जाम. वन ऑफ द टीचर्स हैज और हैव कम. तो वन ऑफ द टीचर्स हैज और हैव कम. सारे टीचर्स नहीं आया, वन टीचर आए हैं, वन सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए? हैज कम. वन ऑफ द टीचर्स हैज कम. तो क्योंकि क्या रूल है? वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. अभी अभी ये रूल अपनी बुक में लिखना चाहिए, अभी अपने बुक में इसको रेडी करके लिख के रखना चाहिए. ऑलराइट, वन ऑफ द बॉय या बॉयज इज लेजी. अभी आप मुझे बता दो, वन ऑफ द बॉय आएगा या वन ऑफ द बॉयज आएगा? देखो सारे बॉयज लेजी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता. इन बॉयज में एक लड़का है, तो है ना, तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन है ना, तो वन ऑफ द बॉयज इज लेजी. इस क्वेश्चन में वर्ब तो फिक्स्ड है, आपको नाउन फिक्स करना. कई बार उल्टा भी क्वेश्चन आता है ना, तो वन ऑफ द के बाद क्लोज टेस्ट में है, वन ऑफ द के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तब आपको पता होना चाहिए मेरा ऑप्शन में जो प्लूरल नाउन है वही मैं इधर यूज करने जा रही हूँ. वन ऑफ द बॉक्स या बॉक्सेस इज ओपन, क्या आना चाहिए? अगेन सेम रूल, वन ऑफ द के बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन, है ना. वन ऑफ द के बाद बच्चे आप क्या यूज करोगे? अभी अभी हमने क्या कहा कि वन ऑफ द के बाद हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन. तो वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन. वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन. वन ऑफ द टीचर्स हैज कम. वन ऑफ द बॉयज इज लेजी एंड वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन. All right, I hope it is clear. One of the teachers has come, one of the boys is lazy and one of the boxes is open. Fine, all right, all good. Chalo. Now, one of the teachers or has or have come, already dekha humne, one of the teachers has come. One of the teachers has come. Kyunki one of the ke baad plural noun and singular verb.
One of the boy ya boys is lazy. One of the boys is lazy. One of the boys is lazy. All right. ठीक है. One of the box or boxes open. One of the boxes open. And one of the man or men is old. क्या आना चाहिए? One of the men is old. क्योंकि man singular है. दोबारा रूल लिखती हूँ. One of the के बाद plural noun and singular verb. One of the के बाद plural noun and singular verb. One of the teachers has come. One of the boys is lazy. And one of the boxes is open. And one of the men is old. Find the correct sentence out of given alternates. तो given alternatives में आपको correct sentence ढूंढना है. मैं आपके सामने चार sentence रख लूंगी और इन चार sentence में एक sentence correct है और बच्चे आपको उस sentence को ढूंढ के निकालना है चार options में. One of the worst habit is smoking. Option A. Option B is one of the worst habits are smoking. Option C is one of the worst habits is smoking. And option D is one of the worst habit are smoking. तो rule लिखती हूँ आपको समझाने के लिए. One of के बाद plural noun and singular verb है ना. तो ये habit की वजह से ये wrong हो गया. ये are की वजह से wrong हो गया. इधर देखो one of the worst habits और इस सही है बिल्कुल. वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट आर स्मोकिंग ये भी गलत है. तो विच इज योर करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में आप देखेगा तो प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब है. दोबारा बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है ताकि आपको याद हो जाए. वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. तो गिवन क्वेश्चन में सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट. तो ये जो थर्ड रूल हमने पढ़ा है क्या रूल था? जब हम वन ऑफ या वन ऑफ द यूज करते हैं उसके बाद हमें प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा एंड सिंगुलर वर्ब. अभी लास्ट रूल, आज का जो लास्ट रूल मैं आपके सामने रखती हूँ वो है जब हम वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट. देखो वर्ब प्लस आईएनजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेरेंट. ये जेरेंड क्या है? ये है वर्ब प्लस आईएनजी. इसके एक स्पेशल क्लास हम लेंगे आपके लिए. ठीक है. तो वर्ब प्लस आईएनजी ये बेसिकली नाउन का काम करते हैं, है ना. अब देखो जब एक बच्चा कहता है आई एम स्विमिंग, मैं स्विम कर रही, तो ये हमें पता है ये एक्शन. एक्शन क्या है? वर्ब. बट उसी बच्चे ने ये कहा कि स्विमिंग इज माय हॉबी. Swimming is my hobby. तो इस sentence में swim action नहीं है बल्कि swimming है noun. तो ये noun है इस sentence का subject. ठीक है. तो क्या कहते हैं? verb plus ing जिसको English में gerund कहते हैं वो कई बार as a noun use करते हैं. as a noun use करेगा तो वो subject हो सकता है. and gerund is a singular subject. verb plus ing जब भी आप as a subject use करते हैं वो क्या रहेगा? singularly रहेगा. देखो मैंने क्या लिखा है? swimming is my hobby. तो swimming are my hobby थोड़ी ना लिखा है. swimming is my hobby. तो स्विमिंग मेरा सब्जेक्ट है एंड स्विमिंग के साथ मैं यूज कर रही हूँ सिंगुलर वर्ब. तो क्या कहते हैं? तो वन मोर इज स्विमिंग की तरह और क्या है? कुछ बच्चों को डांसिंग बहुत अच्छा लगता है. तो अब देखो जब मैं कहूंगी सीता इज डांसिंग और दे आर डांसिंग, ये एक्शन है. अभी इस वक्त वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये एक्शन है. बट उसी बात को मैं ऐसे कहूंगी डांसिंग इज माय हॉबी. तो अभी ये डांसिंग जो है एक्शन नहीं बल्कि क्या है? नाउन हो गया. ये नाउन इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है. वो भी कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो क्या कहते हैं? जब वर्ब प्लस आईएनजी को आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो सिंगुलर रहेगा. तो ये सेंटेंस सबने सुना होगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग इंजरियस का मतलब क्या है? हार्मफुल, है ना. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, हार्मफुल हेल्थ के लिए. ठीक है ना. तो हेल्थ, तो
स्मोकिंग इज, है ना, बट अब यही स्मोकिंग जब एक्शन हो तो हम कहेंगे अब इस वक्त वो क्या कर रहा है, दे आर स्मोकिंग, तो ये तो एक्शन है. बट ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इज अ नाउन, तो कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है, राइट, तो मीनिंग क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ क्या वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा. ऑलराइट, देखो वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज माई हॉबी, आपका क्या हॉबी है, स्विमिंग आपका हॉबी है, और डांसिंग इज माई पैशन. तो अब देखो स्मोकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब आपने जो लिखा है ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट. बट मैं आपको कहती एक बंदे को दो हॉबीज है, तो इमेजिन करो स्विमिंग भी है, डांसिंग भी है, दो दो हॉबीज हो सकता है ना. तो अभी मैं क्या लिखूंगी, स्विमिंग एंड डांसिंग इज और आर माय हॉबीज, ये कौन आंसर करेगा, अभी आएगा आ आएगा. तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जब हम दो नाउन्स को, दो सिंगुलर नाउन को जब हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगा, जैसे राम एंड सीता आर कमिंग, ही एंड शी आर गोइंग, है ना. तो सिमिलरली ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बट जब हमने एंड से इसे कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया प्लूरल, से कनेक्ट कर दिया तो प्लूरल हो गया. तो स्विमिंग एंड डांसिंग अब मैं कहूंगी आर माय हॉबीज, स्विमिंग एंड डांसिंग आर माय हॉबीज. तो यानी सिर्फ स्विमिंग यूज किया तो सिंगुलर है, सिर्फ डांसिंग यूज किया सिंगुलर है, और स्विमिंग एंड डांसिंग दोनों का जब मैं बात करती हूँ ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, स्विमिंग एंड डांसिंग आर माय हॉबीज. तो सेम एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज माय हॉबी, एंड डांसिंग इज माय पैशन. ऑलराइट, तो देखो राइटिंग पोएम्स इज और आर माय पैशन, तो इफ दिस इज अ क्वेश्चन, आप क्या है स्टूडेंट्स को ये समझना है सेंटेंस में आपका पैशन क्या है, पोएम्स पैशन है या राइटिंग पैशन है. ऑफ कोर्स पोएम्स नहीं है, राइटिंग पोएम्स पैशन है. तो सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है राइटिंग, एंड राइटिंग आपको पता है इसको हम कहते हैं जेरेंड, है ना, एंड जेरेंड आपका कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब. तो राइटिंग पोएम्स इज माई पैशन, राइटिंग पोएम्स इज माई पैशन, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है पोएम्स नहीं है बल्कि क्या है, राइटिंग है. तो राइटिंग पोएम्स इज माई पैशन. सिमिलरली कुछ लोगों का भी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपना हॉबी खाना बनाना ले लिया, सभी शेफ बन गया, अच्छे अच्छे खाना बनाना सीख रहे यूट्यूब से, है ना. तो कुछ लोग अपने घर में केक्स भी बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसे लोग क्या कहेंगे, मेकिंग केक्स इज और आर माई हॉबी. तो आपका हॉबी क्या है, आपका हॉबी केक्स है या मेकिंग है, तो आपका हॉबी जो है मेकिंग केक्स है, तो मेकिंग आपका सब्जेक्ट है. तो एंड मेकिंग जो है आपको पता है कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो मेकिंग केक्स इज माई हॉबी, मेकिंग केक्स इज माई हॉबी. तो ये रूल क्या है, जब भी वर्ब प्लस आई एन जी एज अ सब्जेक्ट यूज किया है तो इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज used with a singular verb. Singular subject always हम singular verb के साथ use करते हैं. तो ये रहा आज का fourth and final rule, singular subject need singular verb. अभी time हो गया, थोड़ा सा revision करते हैं. तो revision करने के बाद we'll wind up. तो revision करने के पहले as a समरी मैं आपको रूल बताना चाहती हूँ. आज हमने जो रूल्स पढ़ा है, पहला रूल क्या था, जब हम एक टाइटल ऑफ द मूवी, टाइटल ऑफ द कंट्री, टाइटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या टाइटल ऑफ द क्या है बुक को लेते हैं, वो भले दिखेंगे प्लूरल, आप उसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर, है ना. तो ऐसे क्या क्या आ सकता है, बीमारी का नाम आ सकता है, कोई सब्जेक्ट आ सकता है, जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथ्स, है ना, आप कहेंगे मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो मैथ्स के साथ क्या लिखा है, इस. और बीमारी में क्या कहा कि आपको रिकेट्स, मम्स, है ना, जैसे मम्स के बाद क्या, मम्स इज अ कंटेजियस डिजीज, मम्स इस लिखा है. अभी उसमें लिखा था गेम्स, तो कौन सी गेम्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे बिलियार्ड्स, दिखने में प्लूरल एंड में एस, तो आप कहेंगे बिलियार्ड्स इज अ गुड गेम,
बिलियार्ड्स इज अ गुड गेम, तो बिलियार्ड्स गेम का नाम है ना, एंड बट बिलियार्ड्स इज अ सिंगुलर नाउन. बिलियार्ड्स क्या है? बिलियार्ड्स एक सिंगुलर नाउन है. ठीक है, तो ये रहा पहला रूल. दूसरा रूल हमने बताया था मेनी और मेनी अ एंड अ ग्रेट मेनी. ठीक है ना, तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मेनी के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अ ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. एंड लास्ट रूल जो है आपको पता है, इट इज विद वन ऑफ या वन ऑफ द. वन ऑफ या वन ऑफ द के साथ आपको यूज करना है प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. वन ऑफ या वन ऑफ द के साथ आप यूज करोगे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब. और दूसरा जो सबसे लास्ट रूल जो बताया वो है जेरेंड. तो जेरेंड क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि बेसिकली क्या है? नाउन. और ये जेरेंड जो है हमने कहा कैसे सब्जेक्ट है, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. जेरेंड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, ये चार रूल ही मैंने आपको बताया, इतनी डिटेल में बताया, तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए. तो इट्स टाइम फॉर अ रिविजन. रिविजन देखते हैं. पोस्ट कार्ड्स इज और आर माई फेवरेट नॉवल. तो पोस्ट कार्ड्स इट्स माई फेवरेट नॉवल आएगा, आर आएगा. देखो फेवरेट नॉवल है, नॉवल की टाइटल है. तो पोस्ट कार्ड्स इज माई फेवरेट नॉवल. पोस्ट कार्ड्स इज माई फेवरेट नॉवल. फाइन, तो ये करेक्ट हो गया. मेनी अ सोल्जर इज और आर ब्रेव. मेनी अ सोल्जर, मेनी के बाद सिंगुलर नाउन. तो मेनी अ सोल्जर इज ब्रेव. मेनी अ सोल्जर इज ब्रेव. थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेनी सोल्जर या सोल्जर्स. तो मेनी के बाद ऑलवेज प्लूरल आना चाहिए ना, तो मेनी सोल्जर्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब आल्सो. अनफॉर्चुनेटली मेनी सोल्जर्स आर वोंडेड. व्हाट यू मीन बाय वोंडेड? वोंडेड का मतलब हो गया घायल होना ना. युद्ध में जब घायल होते हैं तो कहते हैं मेनी सोल्जर्स आर वोंडेड. अब ये भी सही हो गया. वन ऑफ द सोल्जर या वन ऑफ द सोल्जर्स इज वोंडेड. तो वन ऑफ द के बाद आपको पता है आपको यूज करना है प्लूरल नाउन. तो वन ऑफ द सोल्जर्स इज वोंडेड. वन ऑफ द सोल्जर्स इज वोंडेड. एंड लास्ट वन, कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज और आर माई हॉबी. तो सब्जेक्ट क्या है? कलेक्टिंग. तो कलेक्टिंग सब्जेक्ट है एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे? कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज माई हॉबी. अभी एक वर्ड यूज ही किया तो मैं आपको बताती हूँ. कलेक्टिंग स्टैम्प्स, एक बंदा स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, उस हॉबी को कहते हैं फिलैटली. तो फिलैटली का मतलब है कलेक्टिंग स्टैम्प्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास में मैं आपको बता दूंगी. तो आज के लिए इतना ही बच्चे. तो सारे रूल्स मैंने आज बताया कि चार इंपॉर्टेंट रूल्स है, प्रैक्टिस भी हमारे हो गया. अभी आपको थोड़ा सा रिविजन करना है आपने बुक में जो भी नोट्स लिखा है. आपको वीडियो अच्छा लगे है तो आप क्या करेंगे? यू प्रेस द लाइक बटन, यू कैन पुट सम यूट्यूब कमेंट्स आप डाल सकते हैं, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. रेफरल कोड तो आप जानते हैं, आप मेरे रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इट इज हेलेन. एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप हम कर रहे, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं. एंड दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.